हेलो फ्रेंड्स, अनुज कपाड़िया फ़ोन पर वनराज से कहेगा कि वह अनुपमा तक उसका एक मैसेज पहुंचा दे। अनुज कपाड़िया जो बोलेगा वो ना सिर्फ अनुपमा बल्कि सारे घर वाले सुन लेंगे। टीवी शो अनुपमा के 30 अप्रैल के एपिसोड में आप देखेंगे कि डिंपल और समर की शादी बचाने के लिए अनुपमा फिर से शाह हाउस पहुंच जाएगी। वह कहेगी कि वैसे मैं यहां कभी नहीं आने वाली थी, लेकिन बच्चों की शादी की बात है तो मुझे आना पड़ा। अनुपमा दरवाजे पर खड़ी होकर वनराज और लीला को अनुज कपाड़िया के साथ अनु के रिश्ते की बात करते सुन लेगी और भड़क जाएगी। अनुपमा पहले तो लीला और वनराज को लताड़ेगी कि वो कौन होते हैं उसके और अनुज के रिश्ते पर फैसला करने वाले। इसके बाद वह डिंपल और समर की शादी की बात करेगी। वनराज शाह क्योंकि बार बार डिंपल की शादी टूटने की वजह डिंपल को ही बताएगा और कहेगा कि वह इस बात पर अड़ी है कि अनुज कपाड़िया इस शादी में आएगा तो शादी होगी और हम नहीं चाहते हैं कि अनुज इस शादी में आए। तब अनुपमा लीला और वनराज शाह को समझाएगी कि अनुज कपाड़िया ने इस घर के साथ ऐसा क्या गलत किया है कि आप लोग चाहते हैं कि वो ना आए। वह कहेगी कि आप लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया है कि अनुज ने मेरे साथ गलत किया। क्या मैंने कभी आप लोगों से ऐसा कहा कि अनुज ने मेरे साथ गलत किया है? वहीं फ्रेंड्स, रविवार के एपिसोड में अनुपमा फुल फॉर्म में नजर आएगी। वह लीला और वनराज को जमकर लताड़ेगी और कहेगी कि क्या अनुज के जाने के बाद मैं इस घर में आई? क्या मैंने कभी भी रोने के लिए वनराज शाह का कांधा मांगा? क्या मैंने कभी कहा कि मैं मूव ऑन कर गई हूँ? अगर नहीं तो आप लोग बेवजह मेरे वकील बनकर क्यों घूम रहे हैं और ऊपर से फैसला भी सुना रहे हैं कि मुझे अनुज की ज़रूरत नहीं है। अनुपमा अपने बेटे समर और डिंपल को भी समझाएगी कि इतनी सी बात पर शादी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उधर वनराज शाह के नंबर पर अनुज कपाड़िया का फ़ोन आएगा। अनुज वनराज से कहेगा कि वो उसकी वजह से बच्चों की शादी ना तोड़े। अनुज कपाड़िया फ़ोन पर यह भी साफ कर देगा कि वो आज भी अनुपमा से उतना ही प्यार करता है, क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर होगा तो ना सिर्फ अनुपमा बल्कि घर के सभी लोग अनुज की बात सुन लेंगे। अनुज कपाड़िया कहेगा कि वह गिल्ट में है, इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि अनु को कैसे फेस करे, लेकिन वह अपनी अनु के पास ज़रूर लौटेगा, वह हिम्मत रखे। तो फ्रेंड, टीवी सीरियल के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।